प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 3 की सामाजिक ज्ञान की पाठ्य पुस्तक मेरी दिल्ली से पाठ 10, कजरी का मोहल्ला, दिल्ली का सामाजिक जीवन। बच्चों, कजरी भी आपकी तरह ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय की तीसरी कक्षा की छात्रा है। उसका घर विद्यालय के बहुत ही पास है, इसीलिए कजरी पैदल ही स्कूल जाती है। कजरी के बहुत से मित्र भी उसके घर के आसपास ही रहते हैं। वे सभी एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ खेलते हैं। स्कूल में भी वो मिलकर खेलते हैं और घर पर भी वो सभी मिलकर खेलते हैं। तो बच्चों, आओ अब बात करते हैं कजरी के अनोखे मोहल्ले की। मोहल्ले का अर्थ होता है पास पड़ोस। हमारे आसपास रहने वाले परिवारों और उनमें रहने वाले लोगों से मिलकर बनता है हमारा मोहल्ला। कजरी का मोहल्ला बहुत ही अनोखा है, जानते हो क्यों? क्योंकि कजरी के मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग भारत देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से, तो कोई केरल से। सभी लोग अपने अपने घर में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई पंजाबी, कोई बांग्ला, कोई तमिल, तो कोई गुजराती बोलता है, पर ज्यादातर लोग हिंदी में ही बातचीत करते हैं। कजरी और उसके सभी दोस्त विद्यालय में आधी छुट्टी में मिलकर खाना खाते हैं। उन्हें विद्यालय में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत परोसे जाने वाले पूरी, छोले, राजमा चावल आदि विभिन्न व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और सभी बच्चों को यह व्यंजन बहुत ही पसंद आते हैं। अक्सर कजरी व उसके मित्र, जो कि अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, अपने अपने घरों से उस राज्य के खास व्यंजन लाते हैं और अपने मित्रों के साथ मिलकर खाते हैं। जैसे गुरमीत, जो पंजाब राज्य से है, अक्सर अपने घर से मक्के की रोटी और सरसों का साग लाता है। आशा रसगुल्ले व संदेश लाती है, जो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है। इसी प्रकार रमैया अक्सर अपने घर से इडली, डोसा व वड़ा लाता है, जिन्हें सांभर के साथ खाते हैं और ये संपूर्ण दक्षिण भारत में खाए जाते हैं। कजरी भी अक्सर अपने मित्रों के लिए घर से खाकरा व ढोकला ले जाती है। खाकरा व ढोकला गुजरात राज्य से संबंधित पारंपरिक व्यंजन है। कुछ अन्य राज्यों के विभिन्न व्यंजनों के बारे में आपसे अब चर्चा करते हैं। हमारे पास यहाँ दाल बाटी चूरमा राजस्थान से, मीसल पाव महाराष्ट्र से, लिट्टी चोखा बिहार से, मक्के का खीस मध्य प्रदेश से, माछेर झोल पश्चिम बंगाल से और बाजरे की खिचड़ी हरियाणा से है। इन सभी के विषय में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। दिल्ली में रहने वाले विभिन्न राज्यों के विभिन्न धर्मों के लोग सभी त्योहारों व उत्सवों को बहुत उमंग और जोश के साथ एक साथ मिलकर मनाते हैं। ऐसे त्योहारों और उत्सवों के समय तो ऐसा लगता है जैसे कजरी के मोहल्ले में पूरा भारत समा गया हो। इसी कारण से दिल्ली को अक्सर छोटा भारत भी कहा जाता है। दिल्ली में विभिन्न राज्यों से रहने आए हुए लोग त्योहारों और उत्सवों पर अपने अपने राज्य के पारंपरिक परिधान पहनते हैं। आम दिनों में तो सभी लोग साधारण परिधान ही पहनते हैं, लेकिन उत्सव वाले दिन सभी लोग पारंपरिक परिधान पहनते हैं, खास कपड़े पहनते हैं। सब लोग कुर्ता, पायजामा, शेरवानी, लहंगा या घाघरा पहने हुए दिखाई देते हैं। पुरुष सिर पर शानदार पगड़ी या टोपियां पहनते हैं। महिलाएं साड़ियां भी खास तरीकों से बांधती हैं। ये है भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों व उन पर पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों का चित्र। तो आप इनमें से कितने राज्यों और कितने परिधानों को पर्वों से जोड़ सकते हैं?
बूझो तो जाने। तो बच्चों, दिल्ली के सामाजिक जीवन में आपको भारत की विविधता की एक झलक मिली, और यह विविधता ही हमारी एकता की परिचायक है। भारत में रहने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न राज्यों में रहने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, इतनी विविधता वाले जीवन के होते हुए भी यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और बच्चों, यह विविधता में एकता ही हमारी भारतीय लोकतंत्र की अभिन्न पहचान है। अब आप सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और यहाँ दिए गए कार्य पत्रकों को पूरा करेंगे। इसमें आप अपने अध्यापक व अध्यापिका की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।